जो इंडिया का कैप्टन बन गए क्रिकेट में, सारी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करा, हैदराबाद का नाम रोशन करा, उसको हराने के लिए आप साजिश करते हैं, लेकिन गुस्ताख रसूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसको हराने के लिए उम्मीदवार नहीं खड़ा करते, वो हल्के में आप उसको जिताने की कोशिश कर रहे हैं और एक मुसलमान नजरुद्दीन को आप जो है जलील करने की कोशिश कर रहे हैं झूठ बोलकर। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, भारी अक्सरियत से नजरुद्दीन को मुंतखब कीजिए। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हल्के असेंबली जुलूस आजकल एक मौजू बहस बना हुआ है। असेंबली हल्के जुलूस में मशहूर क्रिकेटर अजहरुद्दीन मुकाबला कर रहे कांग्रेस पार्टी से। वहां पर यमायम ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया, अपने कारपोरेटर को खड़ा किया अजहरुद्दीन को हराने के लिए। बड़ी जिद्दोजहद हो रही है कि एक मुसलमान एवन असेंबली के अंदर मुंतखब होकर ना जाए और फिरोज खान मुंतखब होकर ना जाए, आमिर शकील मुंतखब होकर ना जाए। टीआरएस का टीआरएस और एमआईएम का अलायंस है 7 सीटों के ऊपर, जो सबसे पहले टीआरएस बीआरएस के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि हमारा एमआईएम के साथ अलायंस है 7 सीटों के ऊपर। उसके बाद राजेंद्र नगर और जुबलीहिल्स पर बीआरएस को जिताने के लिए इन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। अजहरुद्दीन को हराने के लिए, गोपीनाथ को जिताने के लिए ये जाकर झूठे तखारे कर रहे हैं, इतनी झूठ बोल रहे हैं कि मुझे वाकर सफाई देने की जरूरत पड़ गई। आपको मालूम है मैं हर बात कहता हूं। ये असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं कि अजहरुद्दीन ने मुरादाबाद के अंदर कोई काम नहीं करवाया, 5 साल में एक काम नहीं करवाया। इधर बाजू देखिए आप लोग, ये वहां के काम जो उन्होंने बड़े बड़े काम करवाए, ब्रिजेस करवाए, लाइब्रेरीज, इस सारे पेपर के ऊपर उनके एमपी फंड से जो मुरादाबाद में काम हुए उसकी तफसील आप पढ़ सकते हैं। कितनी बड़ी झूठ है असदुद्दीन अवैसी की। मैं ये पूछना चाहता हूं असदुद्दीन अवैसी से कि आप अल्लाह रसूल का नाम लेकर आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठे क्यों हैं आप? मैं ये साबित करना चाहता हूं अवाम के दरमियान कि आप नंबर एक के झूठे हैं आप। ये बाजू आप लोग अवाम से मैं कह रहा हूं, बाजू स्क्रीन के ऊपर एमपी फंड के सारे काम अजहरुद्दीन ने जो मुरादाबाद में करवाए उसकी तफसील आप देखते जाइए। दूसरी चीज, मुरादाबाद से वहां के एक बाशिंदे ने एक वीडियो भेजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन जावेद मुरादाबाद से हूँ। हमारे वहाँ 2014 तक जनाब अजहरुद्दीन साहब सांसद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके दौर में हमारे वहाँ बहुत से तरक्याती काम हुए हैं। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग उनको भारी वोटों से जिताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो सांसद थे हमारे मुरादाबाद में, उस वक्त तक जितने तरक्याती काम मुरादाबाद में हुए हैं उन्हीं के दौर में हुए हैं, उन्होंने ही कराए हैं। उसके बाद आज तक कोई काम मुरादाबाद में डेवलप नहीं हो पाया है, न सड़कों का न नालियों का कोई भी काम नहीं हो पाया। जनाब अजहरुद्दीन साहब जब तक थे उन्होंने बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान बनाए और से बहुत से काम किए हैं उन्होंने। कि अजहरुद्दीन के टाइम पर जब वो एमपी थे जो काम हुए उसके बाद फिर कोई काम नहीं हुए, सारे डेवलपमेंट के काम अजहरुद्दीन के दौर में हुए, उसके बाद से अब तक वहां पे सारे काम ठप हो गए। अब असदुद्दीन अवैसी साहब का ये कहना है कि मुरादाबाद में अजहरुद्दीन ने कोई काम नहीं करवाया, इतनी बड़ी झूठ। और पैराशूट से जुबलीहिल्स में उतरे अजहरुद्दीन, तो आप यूपी में किससे उतरे, आप बिहार में किससे उतरे, आप राजस्थान में किससे उतरे, आप गुजरात में किससे उतरे? आप भी तो वहां पर नए हैं, वहां जाकर माहौल वहां का खराब किया, वहां के मुसलमानों को आपने हरा दिया,
आप जिस कारपोरेटर की तारीफ कर रहे हैं वो कारपोरेटर बदनाम जमाना है जो फराज जिसका नाम ले रहे हैं। टोली चौकी की आवाम को से जाके सर्वे कीजिए, वहां के बस्तियों में लोग उस कारपोरेटर का नाम लेने के बाद में इतनी गलत जबान से उसके बारे में कहते हैं कि कोई बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर हर कोई उसको पैसे देना, और इतना करप्टेड है कि वहां से पैसे लूट के सदर साहब को भी लाके वहां से कमीशन देना उसका काम है। टोली चौकी न्यू सिटी में आता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वहां पे बनते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सारा लूट का माल लूटना और सदर साहब को भी लाके देना कमीशन और वो खुद भी रखना, ये आपके वहां के उम्मीदवार का ये काम है। आप क्या समझते हैं कि आप ये मुसलमान हो कटवा देंगे तो अजहरुद्दीन हार जाएगा, वो बिना जीत जाएगा? आप विष्णु वर्धन रेड्डी की तारीफ कर रहे हैं कि वो दो बार लड़ा हार गया, उसको देना था, वाह भाई वाह। आप तो ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों की नुमाइंदगी अवैध असेंबली में बढ़ाऊंगा, आपके भाई असेंबली में बयान दिए 15 MLA को लेके आऊंगा मैं, 50 सीटों पर लड़ूंगा, असेंबली की तकरीरें आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी की कि मजलिस 50 सीटों पर लड़ेगी 40-50 में, मैं 15 MLA को लेके आऊंगा PTR के जवाब दे रहे। लिहाजा आप लोगों से मेरी अपील है इनके झूठे बातों में बताइए अजहरुद्दीन को भारी हैसियत से मुसलमान हिंदू सब मिलकर कामयाब कीजिए, वो हिंदुस्तान की शान है, उन्होंने क्रिकेट में हैदराबाद के नाम को रोशन किया, और उनको मुंतखब कीजिए ऐवान असेंबली में, जाइए एक मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ेगी। ये झूठे तखाई के आप जो है बातों में बहकावे में मत आइए, हाथ की निशानी के ऊपर रोक लगाइए, सारे मुसलमान एक एक अजहरुद्दीन के हक में दीजिए। खुदा हाफिज़। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।